फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत स्वेजन नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दाबेली, कच्ची दाबेली, जो आप चैट सेंटर में जाके खाते हैं। वो आप घर में ही बहुत इजी मेथड से बना सकते हैं और घर में बैठ के खा सकते हैं। अभी इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बॉयल्ड आलू लिया है। ये बॉईल करके एक छोटे छोटे 4 से 5 आलू लिए हैं। ये बॉईल करके ऐसे स्मैश किया हुआ है, देखिए स्मैश किया हुआ है आलू। अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, फिर स्मैश कर लेना है अच्छी तरह से। ये है कांदा पीसेस, कांदा पीसेस बारीक कट किया हुआ कांदा पीसेस थोड़ा चाहिए। एक प्याज लिया है मैंने, ये कांदा ऑनियन लिया है। ये है ग्राउंड नट, शेंगा जो बोलते हैं ग्राउंड नट, ये मैंने थोड़ा सा तेल, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई किया है। देखिए इसका छिलका निकाल लिया है, ऐसे अर्धा अर्धा कट करके रखा है। ये भी चाहिए आपको दाबेली के लिए। ये है कोतंबीर, थोड़े से कोतंबीर और एक ग्रीन चिली पीसेस चॉप्ड बारीक कट किया हुआ। ये है इमली का पानी, ये इमली थोड़ा सा भिगो के रखा था मैंने पानी में, ये इमली का पानी चाहिए आपको। ये है देखिए, ये है ग्रीन चटनी जो बोलते हैं, ये थोड़ा चाहिए। ये ग्रीन चटनी मैंने कोतंबीर, पुदीना, ग्रीन चिली, थोड़ा जीरा, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा नमक डाल के, पानी डाल के थोड़ा सा पीस लिया है। आप इसमें चाहिए तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। यह है ब्लैक पेपर, थोड़े से लिए हैं मैंने, एक हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है मैंने ब्लैक पेपर। ये देखिए काली मिरी जो बोलते हैं, ये है जीरा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून ये बड़े शेप लिया है मैंने। ये देखिए स्नोफ जो बोलते हैं, पान में जो डाल के खाते हैं वो। ये है लवंग, एक 4 से 5 लवंग लिया है, लवंग पीसेस। ये है दालचीनी का एक छोटा सा पीस, और ये है कार्डमम, 2 कार्डमम लिए हैं मैंने। और ये स्टार अनिस जो बोलते हैं, ये देखिए स्टार अनिस ऐसे वाला, ये लिया है, एक लिया है। ये है ब्लैक सॉल्ट जो बोलते हैं, ये देखिए ये दुकान में आपको मिलता है, ये चाहिए थोड़ा सा, ये डालने से टेस्ट अच्छा आता है। ये है धनिया, ये देखिए धनिया लिया है मैंने, कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर जो बोलते हैं वो लिया है, ये 1.5 टीस्पून लिया है। ये थोड़ा सा शुगर लगता है इसमें, थोड़ा सा स्वीट आता है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बदले आप गुड़ भी ले सकते हैं, जैगरी ले सकते हैं थोड़ा सा। ये है जिंजर पीसेस, बारीक कट किया हुआ जिंजर पीसेस लिया है मैंने थोड़े से। ये है तिल, 2 टीस्पून तिल लिया है मैंने। ये ड्राई खोबरा है, ये थोड़ा सा एक 1 टेबलस्पून ड्राई खोबरा, ग्रेटेड ड्राई खोबरा लिया है मैंने। ये है पोमोग्रेनेट जो बोलते हैं पोमोग्रेनेट, ये भी लगता है इसके लिए, थोड़ा सा पोमोग्रेनेट लेना है, दाड़िंब जो बोलते हैं ये लेना है। ये है मिर्ची पाउडर 3 से 4 टीस्पून लिया है, आप कितना तीखा खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके बदले आप रेड चिल्ली जो अखा चिल्ली बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। ये सब फ्राई करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक छोटा सा कढ़ाई लिया है, ये ऐसे ही आपको गरम करना है। गरम होने के बाद आपको इसमें ये लवंग, दालचीनी और कार्डमम जो लिया था हमने और स्टार अनिस जो लिया था वो थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए इसमें। ये सब मसाला फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद पीस लेना है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए लाइट ब्राउन होने तक पीस लेना है सर, ये फ्राई करना है फर्स्ट, ये देखिए। फिर धनिया,
लो फ्लेम में फ्राई कीजिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा फ्राई होते ही इसमें आपको जीरा और बड़े शेप जो हमने लिया था स्नोफ वो डालना है। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स घर में, आप बना के खाइए। ये देखें, फिर इसमें काली मिरी जो हमने लिया था वो डालना है आपको। फिर इसमें तिल जो हमने लिया था तिल डालना है। एक एक करके डालते जाइए और फ्राई करते जाइए इसे। ये देखिए तिल का आवाज आ रहा है। फिर इसमें ड्राई खोबरा, ये आप ज़्यादा बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपको मन होता है आप बना के खा सकते हैं। ये देखिए, ये फ्राई होते ही लो फ्लेम में ही फ्राई कीजिए। फिर इसमें ये देखिए, ऐसे फ्राई होते ही ये तेल मत डालिए इसमें, ऐसे ही ड्राई फ्राई करना है। ज़्यादा है तो आप निकाल के पाउडर उसका फ्रिज में रख सकते हैं। फिर मिर्ची पाउडर ये भी डाल के थोड़ा सा फ्राई कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, मैंने जो अभी फ्राई किया था सब मसाला वो ड्राई पाउडर कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए ऐसे ऐसे पाउडर कर लिया है। देखिए ऐसे पाउडर लगना चाहिए, ऐसे पाउडर करके आप ज़्यादा है तो फ्रिज में निकाल के रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। अभी देखिए, एक छोटा सा कढ़ाई लेना है आपको, उसमें आपको जो हमने इमली का पानी लिया था, इमली का पानी वो थोड़ा उबाल लीजिए, थोड़ा अच्छी तरह से उबाल लीजिए। फिर इसमें मसाले में ऐड करना है आपको, इसलिए थोड़ा सा ऐसे उबाल लीजिए। इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, स्वाद थोड़ा सा नमक डालिए। एक दो तीन उबाल आने तक आपको उबालना है। ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा उबाल के गैस बंद कर लीजिए, उतना ही उबालना है आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, मैंने अभी एक कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल लिया है, आप कम चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। इसमें अभी जिंजर पीसेस जो हमने लिया था वो डालना है आपको। फिर इसमें ग्रीन चिली पीसेस जो हमने चॉप करके रखा था वो लेना है, फीका कम चाहिए तो कम डालिए। फिर इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, फिर इसमें स्मैश का आलू जो हमने लिया था वो डालना है आपको। देखिए, अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लीजिए। मिर्ची पाउडर और चाहिए तो और डालिए, फीका कितना चाहिए आप देख के डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालिए। फिर इसमें थोड़ा सा
शुगर जो हमने लिया था वो डाला है आपको। आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको शुगर अच्छा नहीं लगता है तो। ये देखिए, फिर इसमें काला नमक जो हमने लिया था ये डालने से टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। चाट मसाला भी ले सकते हैं, चाट मसाला है तो। ये देखिए, फिर इसमें जो हमने दाबेली मसाला जो बना के रखा था वो डालना है आपको। ये देखिए, एक दो टीस्पून से तीन टीस्पून तक डाल सकते हैं, आपको टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए, फिर इसमें इमली का पानी जो हमने बॉईल करके रखा था वो थोड़ा ऐड कर लीजिए। चाहिए तो और थोड़ा सा दाबेली मसाला ऐड कर सकते हैं आप, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा कोथिंबीर डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये देखिए, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमारा दाबेली का मसाला रेडी हो गया है। आप मुंह में डाल के देख सकते हैं मसाला कैसे बना है। नमक कम है तो डालिए, मसाला भी चाहिए तो आप फिर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही उसे फ्राई करके रखा है। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, अभी आपको पाव लेना है। ये देखिए, पाव लेना है। पाव में आपको ग्रीन चटनी जो मैंने बोला था आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं, चाहिए तो लगा लीजिए। एक एक लोग लगाते हैं, एक एक लोग नहीं लगाते हैं। देखिए ग्रीन चटनी, फिर इसमें जो हमने मसाला बना के रखा था वो लगाना है। ये अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लीजिए, नहीं तो गरम गरम भी ऐसे लगा सकते हैं आप। ये देखिए, कितना चाहिए आप उतना लगा लीजिए ऐसे। फिर इसमें कांदा, अब मसाले में भी कांदा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कांदा और शेंगा जो बोलते हैं ग्राउंड नट पीसेस। फिर पोमोग्रेनेट, देखिए पोमोग्रेनेट, ये देखिए ये डालिए। फिर ऐसे करके आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड करके इसे आपको फ्राई करना है। ये अच्छी तरह से तवे पर बटर लगा के फ्राई करना है दोनों साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तवे पर ऐसे फ्राई कर दिया है दोनों साइड। फिर इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे शेव डालना है, अंदर भी डाल सकते हैं चाहिए तो आप। शेव अंदर भी डालने से अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ऐसे ओपन करके डाल सकते हैं ऐसे। ये देखिए हमारा, ये देखिए कच्ची दाबेली रेडी हो गया है। ये देखिए ऐसे सेपरेट सेपरेट एक एक पाव भी ऐसे आप फ्राई कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा शेव डाल दीजिए।
देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसे ऊपर ऐसे शेप डाल सकते हैं। थोड़ा सा कोतंबीर, देखिए हमारा दाबेली, रेडी हो गया है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी, आप घर में ही बना के खा सकते हैं। अगर अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like our videos, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you.